सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन जरूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक किलर में। चलिए देख लेते हैं आज का राशिफल। मेष राशि, आपका रवैया काफी सहानुभूतिपूर्ण और लचीला हो सकता है। ज्यादातर मामलों को आप पूरी गहराई में जाकर ही समझ सकेंगे। माता पिता के साथ संबंधों में सुधार आने के योग हैं। किसी दोस्त को आपकी सलाह से बहुत ही ज्यादा फायदा हो सकता है। आपकी मदद से साथ काम करने वाले लोगों की कई समस्याएं आज खत्म हो सकती हैं। आप कोई ऐसा फैसला भी कर सकते हैं जिसका असर दूसरों पर काफी गहरा पड़ेगा। दोस्त आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली जो लोग काफी पुराने दोस्त हैं। आपका दाम्पत्य जीवन भी काफी अच्छा रहेगा। नेगेटिव चीजों की बात करें तो भोजन सावधानी से करें, अधिकारियों और बुजुर्गों से बातचीत करने में खास तौर पर सावधानी बरतें, विवादों से बचें, अनुमान के आधार पर ही कोई काम करने से बचें। आपके और जीवन साथी के बीच कोई भी अनबन हो तो उसे अवॉइड कीजिए। वाहन चलाते वक्त सावधानी बरतिए। क्या करें, पीले या सफेद फूल को हल्दी के पानी में भिगाकर लक्ष्मी जी को चढ़ाइए। हेल्थ की बात करें तो वाहन दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई है, इसलिए वाहन सावधानी पूर्वक चलाइए। वृषभ राशि, आज का दिन थोड़ा सा खर्चीला हो सकता है, लेकिन सारा खर्च जो है वो आप अपने ऊपर या अपने घर वालों के ऊपर ही करेंगे। आप अपने साथ साथ किसी दूसरे व्यक्ति के काम में दखल दे सकते हैं, इससे उनके काम में भी सुधार आएगा और आप दोनों के बीच में अगर कोई गलतफहमी है तो वो भी खत्म हो सकती है। कई नए डिसीजंस आज आप ले सकते हैं। जिस हिसाब से आज आपका खर्च होगा उसी हिसाब से इनकम होने के भी लाभ है, मतलब आज का दिन ले देकर बराबर होने वाला है। किसी पुराने दोस्त से आज मुलाकात हो सकती है और कई ऐसे फैसले भी आप ले सकते हैं जो आपके खुद के यानी आपके पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दाम्पत्य जीवन आज अच्छा रहेगा। किसी पुराने मन मुटाव को आज हटाएंगे। बुजुर्गों से काफी अच्छे तरीके से व्यवहार कीजिए और उनका आशीर्वाद दीजिए। नेगेटिव चीजों की बात करें तो बुजुर्गों के साथ कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे उनके श्राप का कोप आपके ऊपर पड़े। अपने घर में या घर वालों के साथ किसी भी तरह की ऐसी बात ना करें जिससे उनके मन में कष्ट हो। काम की जगह पर हर एक के साथ, स्पेशली आपके कॉलीग यानी आपके साथ काम करने वाले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखें। अगर आप थोड़ा सा रफ व्यवहार करेंगे तो आपके बने बनाए काम रुक सकते हैं या बिगड़ सकते हैं। खान पान में सावधानी बरती है। क्या करें, सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाकर ही घर से निकलें। हेल्थ की बात करें तो आज का दिन लगभग आपका सामान्य रहेगा। छोटी मोटी मौसमी बीमारियां आपको सता सकती है, स्पेशली आपके पेट से संबंधित कोई रोग आपको सता सकता है। मिथुन राशि, आप खुद में कुछ बदलाव भी करने की कोशिश करेंगे। कोई योजना भी आपके मन के मुताबिक हो सकती है या उस योजना को आप आज कंप्लीट भी कर सकते हैं, तो आज का दिन काफी खास रहेगा। आपका इरादा लचीला रहने का है, यानी कि काफी फ्लेक्सिबल रहने का है। समय के हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे। जो भी प्रस्ताव है उस पर बातचीत में आप पूरी तरह से सफल होंगे। पैसे कमाने के कुछ नए आसार आज नजर आ सकते हैं। ऑफिस में अपने व्यवहार में विनम्रता रखिए। आज आपका आत्मविश्वास काफी अच्छा रहेगा। कोई रिश्तेदार आपसे मिलने आ सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। नेगेटिव चीजों की बात करें तो पति पत्नी में किसी बात को लेकर मतभेद होने के योग हैं। खर्चा ज्यादा होने से आप उदास हो सकते हैं। दिमाग में चलती कई तरह की बातों के कारण आपका पूरा ध्यान काम पे नहीं लग सकता है। किसी भी तरह के फालतू खर्च से बचें और मानसिक तनाव से बचें। भावनात्मक तौर पर आप थोड़ा सा डर महसूस कर सकते हैं। क्या करें, 5 सफेद फूल नदी या तालाब में डालें। हेल्थ की बात करें तो सेहत से जुड़ी कोई परेशानी आज खत्म हो सकती है। कर्क राशि, कर्क राशि के लोग संयम में रहें। आज आप थोड़े व्यवहारिक रहेंगे, इससे आपको फायदा होगा। सामाजिक तौर पर आप बहुत सक्रिय भी हो सकते हैं। भावनात्मक दृष्टि से आप उत्साहित रहेंगे।
आपको खुद पर भी पूरा भरोसा है और दूसरों पर भी। किसी निजी और भावनात्मक मामले पर कोई आपसे राय भी मांग सकता है। नए विचार भी आपके दिमाग में आएंगे। कोई नया प्रेम संबंध भी शुरू होने की संभावना दिखाई दे रही है। बहुत से लोगों के चहेते बन सकते हैं आप। स्टूडेंट्स के लिए भी समय काफी अच्छा है। नेगेटिव चीजों की बात करें तो आज आप थोड़ा बहुत भावनात्मक जोखिम ले सकते हैं। कोई नया काम खुद के दम पर ना करें तो ही अच्छा है। हमेशा टीम वर्क पे ही काम कीजिए। आपका खर्च बढ़ सकता है, इससे मानसिक तनाव और परेशानी हो सकती है। कामकाजी जीवन में रुकावटें या फिर परेशानियां बढ़ने के योग दिखाई दे रहे हैं। सेहत में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव होगी। पुराने रोगों से परेशान हो सकते हैं। नौकरी पेशा और बिजनेस करने वाले लोगों के लिए खर्च ज्यादा हो सकता है। क्या करें? माता जी के मंदिर में मेहंदी चढ़ाइए। हेल्थ की बात करें तो मोटे तौर पर आपकी सेहत में थोड़ा सुधार हो सकता है। पुराने रोगों से थोड़े बहुत आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन अगर आप संयम से रहें तो पुराने रोग भी खत्म हो सकते हैं। सिंह राशि, आज आप दिमागी और शारीरिक तौर पर व्यस्त रहेंगे। खट्टे मीठे अनुभव वाला दिन रहेगा। आप मन की बात मन में ही रखेंगे, अपने काम से पीछे ना हटे। पैसा कमाने के कुछ नए और अच्छे मौके आज आप निकाल सकते हैं। अपने आत्मविश्वास के दम पर आप दूसरों से अलग पहचान बनाने में सफल रहेंगे। आपकी इनकम बढ़ेगी, संतान की उन्नति से खुशी होगी। आज आप बिजनेस में नई योजनाएं बना सकते हैं जो आगे जाकर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अचानक किसी अजनबी से भी मुलाकात होने के योग बन रहे हैं। नेगेटिव चीजों की बात करें तो मन में कोई ना कोई आशंका भी हो सकती है। ऑफिस में कोई बड़ी समस्या आपके सामने आ सकती है। आपको हर काम में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी बात से दूसरों को सहमत कराने में आपको बहस करनी पड़ सकती है। कुछ लोग आपकी बात या इरादों को अन्यथा समझ सकते हैं। थोड़ा अनबन या अनमनापन आपको महसूस हो सकता है। क्या करें? घर या ऑफिस में जहां पीने का पानी रखते हैं वहां फूल रखें। हेल्थ की बात करें तो पेट के रोगों से परेशान हो सकते हैं। समय से भोजन कीजिए, नहीं तो एसिडिटी के शिकार हो सकते हैं। कन्या राशि, लेन देन और बचत के मामले में आज आपको सीरियस रहना होगा। आपके लिए दिन अच्छा है। भविष्य की योजनाओं पर ध्यान दें। जीवन साथी के साथ मतभेद खत्म करने की कोशिश कीजिए, इसमें आपको आज सफलता भी मिल सकती है। जीवन साथी की भावना समझने की कोशिश कीजिए। संतान संबंधी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। माता पिता से मदद मिल सकती है या किसी गुरुजन से सहयोग मिल सकता है। नेगेटिव चीजों की बात करें तो परिवार के किसी सदस्य के व्यवहार को लेकर थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। सेहत भी थोड़ी अप डाउन रहेगी, यानी कि उतार चढ़ाव रहेगा सेहत में। बिजनेस में थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। कार्य क्षेत्र में ज्यादा मेहनत और भागा दौड़ी हो सकती है। कन्या राशि के लोग किसी ऐसे जगह पर पैसा फंसा सकते हैं जहां से फायदा मिलने के चांस बहुत कम है, इसलिए सावधानी पूर्वक निवेश कीजिए। क्या करें? घर या ऑफिस में पूर्व दिशा में लाल फूल रखें। हेल्थ की बात करें तो जोड़ों के दर्द से परेशान रह सकते हैं। सेहत में उतार चढ़ाव बना रहेगा। तुला राशि, गोचर कुंडली के भाग्य भाव में चंद्रमा होने से दिन बहुत हद तक अच्छा रहेगा। किस्मत का साथ मिल सकता है। आज के हालात और आपसे मिलने वाले लोग आपको कुछ नया करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस समय की कई कोशिशों की सफल होने की उम्मीद नजर आ रही है। आज हो सकता है कि आपको वर्तमान नौकरी में ही एक्स्ट्रा जिम्मेदारी या प्रमोशन मिल सकता है। आपकी इनकम बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। भाइयों के साथ चल रही पुरानी अनबन सुलझ सकती है। अचानक कोई परेशानी खत्म होने के योग है। आपका मन काम में लगेगा। ससुराल पक्ष से आपको कोई उपहार मिल सकता है। नेगेटिव चीजों की बात करें तो कुछ पुराने मामले आपके मन पर हावी हो सकते हैं। किसी बात को लेकर आपके मन में संकोच पैदा हो सकता है। परिवार, प्रेमी या दोस्त के किसी भावुक मामले में आप किसी भी तरह के डिसीजन लेने से बचें। आप परेशानी में पड़ सकते हैं। रोजमर्रा के कामकाज में या पार्टनरशिप से जुड़े कामकाज आज अधूरे रह सकते हैं। कोई पुराना पारिवारिक विवाद भी बढ़ सकता है। क्या करें?
दक्षिण दिशा में पान पर घी का दीपक जलाइए। हेल्थ की बात करें तो आंखों में दर्द की शिकायत रहेगी, वाहन सावधानी पूर्वक चलाइए। वृश्चिक राशि, आपके कामकाज के बारे में गंभीरता से विचार करें। आपको दूसरों की सलाह पर ध्यान देना चाहिए। नए लोगों से मुलाकात होने से आपको खुद काफी सारा फायदा हो सकता है। शिक्षा, बिजनेस, नौकरी या महत्वपूर्ण कामकाज से जुड़ी यात्राएं हो सकती है। यात्रा के दौरान की गई नई बातें आपको पता चल सकती है। विवाह संबंधी चर्चा या कोई कामकाज हो सकता है। किसी विपरीत लिंग के व्यक्ति से आपकी लंबी बात हो सकती है, जिसमें आप काफी हद तक सफल भी रहेंगे। नेगेटिव चीजों की बात करें तो आज आपको थोड़ी सुस्ती महसूस हो सकती है। घर से बाहर निकलने की भी इच्छा कम हो सकती है। कुछ अजीब विचार आपके मन में या आपके कामकाजों में रुकावट डाल सकती है। पुराने काम अधूरे रह सकते हैं। खर्चों और टेंशन से बचिए। फालतू कामों में समय खराब होने के योग हैं। नौकरी और बिजनेस के कुछ मामलों में उलझने की संभावना है। सेहत को लेकर थोड़े परेशान हो सकते हैं। क्या करें, ऑफिस या घर में फूलों वाला रूम फ्रेशनर यूज करें। हेल्थ की बात करें तो मानसिक तनाव और थकावट हो सकती है। पैर और बदन दर्द होने के योग बन रहे हैं। धनुराशि, अचानक फायदा हो सकता है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपको पैसे की जरूरत है तो कोई मददगार भी आसानी से मिल सकता है। आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हो सकती है जो आपको अपनी सोच बदलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आज आप अपनी भावनाएं और टेंशन अच्छे तरह से शेयर कर पाएंगे। रोजमर्रा के कुछ काम पूरे हो सकते हैं। पार्टनर से सहयोग मिलने के योग हैं। नेगेटिव चीजों की बात करें तो फालतू और छोटी बातों को ज्यादा तवज्जो ना दें। बहस और झगड़ों से बचें या बचने की कोशिश करें। रोजमर्रा का कोई काम काज भी आज आपको परेशान कर सकता है। इससे आपका मूड खराब हो सकता है। आपको चुनौती या फिर कोई ऐसा चैलेंज सामने आ सकता है जो आपके समय को खराब करे। इस राशि के बेरोजगार लोगों को निराशा हो सकती है। वाहन के कारण आपको दुख झेलना पड़ सकता है। क्या करें, गुलाब का फूल पूरे दिन अपने साथ रखें। हेल्थ की बात करें तो सेहत के मामले में भी समय ठीक ठीक रहेगा। शारीरिक परेशानियां कुछ पहले से कम रहेंगी। मकर राशि, आज आपका जोश भी चरम पर हो सकता है। नए लोग आपसे जुड़ सकते हैं। रोमांस और प्यार के मामले में दिन ठीक ठीक रहेगा। आज आप संबंधों का महत्व समझेंगे। रिश्तों से जुड़े कई पहलू आपके लिए खास हो सकते हैं। किसी रिश्ते को मजबूत करने के लिए टूटे रिश्तों या टूटे धागों को जोड़ना जरूरी है। आज आप ऐसे कई काम निपटा सकते हैं जिनकी अनदेखी आप काफी समय से कर रहे थे। अचानक सामने आने वाले कामों के लिए खुद को पहले से तैयार कर लें। नेगेटिव चीजों की बात करें तो आज आप जिम्मेदारियों का एक्स्ट्रा बोझ ले सकते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक सारा काम कीजिए, कुछ गलती ना हो जाए। जोश में होश ना खोएं। आज कोई छोटी गलतफहमी भी होने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। किसी छोटी सी बात को लेकर परेशानी बढ़ सकती है। परिवार में विवाद के योग बन रहे हैं। क्या करें, ऑफिस या घर में पीले फूल की पत्तियों से सजावट करें। हेल्थ की बात करें तो मानसिक तनाव रहेगा। चोट या कट लग सकता है, इसलिए सावधानी पूर्वक हर काम करें। कुंभ राशि, संतान से मदद मिलने के योग बन रहे हैं। आसपास के लोगों के साथ आपका व्यवहार और बातचीत बहुत हद तक सफल हो सकता है। आप काफी सकारात्मक बने रहेंगे आज के दिन। आज आप जो भी करेंगे या जो भी कोशिश होगी, लोगों से उसका पूरा समर्थन मिल सकता है। आपके सोचे हुए ज्यादातर काम पूरे हो सकते हैं, यानी कि आप जिस काम में हाथ लगाएंगे उसको कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। रिश्तेदारों के साथ कोई पुराना संबंध आज ठीक हो सकता है। नेगेटिव चीजों की बात करें तो गुस्से पर कंट्रोल करें, वरना आपके काम बिगड़ सकते हैं। कोई भी फैसला जोश में आकर ना लें। अकेलेपन का एहसास हो सकता है, इसलिए थोड़ा तनाव भी आ सकता है। अपने मन की बात या खुशी किसी के साथ शेयर ना करें। प्रेमियों के दिन ठीक ठाक रहेंगे। किसी भी बात को लेकर थोड़ी बहुत मन मुटाव प्रेमियों के बीच में हो सकती है। जल्दबाजी में कोई काम ना करें। उतार चढ़ाव से भरा दिन रह सकता है। क्या करें, गुलाबी रंग के पर्दे, बेडशीट या टेबल क्लॉथ यूज करें। हेल्थ की बात करें तो सेहत के मामले में आप सावधान रहेंगे। कुछ शारीरिक मामलों में
आपको टेंशन हो सकती है। मीन राशि, दिमाग से काम लें, आपके जीवन में कई बदलाव भी हो सकते हैं। आज नए लोगों से दोस्ती होने और संपर्क बनाने का योग बन रहा है। आपका व्यक्तित्व और क्षमता आज काफी विकसित रहेगी। आप अपनी अलग पहचान बनाने में समर्थ रहेंगे। प्रेम के संबंधों में सुधार होने के योग दिख रहे हैं। भागीदारी में आपके फैसले फायदेमंद हो सकते हैं। लव लाइफ में कुछ बदलाव होने के योग दिख रहे हैं। सेहत का पूरा ध्यान रखें। स्टूडेंट के लिए दिन काफी अच्छा बना हुआ है। नेगेटिव चीजों की बात करें तो किसी ऐसे काम में हाथ डालने से बचें जो किस्मत के सहयोग से हो, यानी कि जो काम करें पूरी मेहनत से करें। टेंशन और भागदौड़ भरा दिन रह सकता है। आज आपको मेहनत की तुलना में सफलता थोड़ी कम मिल सकती है। दूसरों के इरादे और उनके मन की बात समझने में आपसे कुछ गलती हो सकती है। आज आप किसी भी काम को अति ना करें, अपने कुछ काम भी खुद ही बिगाड़ लेंगे। खर्चा और थोड़ी परेशानी वाला दिन हो सकता है। घर या ऑफिस कहीं भी मन नहीं लगेगा, मन थोड़ा सा अनमना सा बना रहेगा। क्या करें? ब्लू, पर्पल या व्हाइट फूल अपने घर या ऑफिस में रखें। हेल्थ की बात करें तो सेहत का पूरा ध्यान रखिए, वाहन से सावधान रहिए। तो दोस्तों, ये था आज का राशिफल। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि दूसरे भी इसका फायदा उठा सकें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।